एक बोरा लाइए तो भारतीय नाग स्पेक्टिकल कोबरा। और ये देखिए कम से कम इसका उम्र कितना होगा, 18 से 20 साल का है, ये कोई छोटा नहीं है, यहाँ बहुत साल से रह रहा है। और इतना जहरीला सांप आप लोग के घर के आसपास है तो कितना खतरे की बात है, धामिन हो तो चलता है और ये सीधे कोबरा है नाग। बढ़िया है आप लोग ने समय पे इसको देख लिया। इसको बोलते है हाँ गेहुआन फनिक सारा यही है। तसूल बना हुआ है देख रहे ना कितना पुराना सांप है ये। अरे ना क्या बोल ये माथा पे रहे फोन नहीं कवाजे माथा ना मोबाइल नहीं टूटा देख रहे ना काफी पुराना सांप है यहाँ पे, ये बहुत पहले से यहाँ रह रहा है। ये रात को घुसा होगा मच्छरदानी टांगे और आइए देख लीजिए उनका भी आ जाएगा। देखे ना ये बड़ा डेंजर सांप है यहाँ का रसल वाइप, ये कोबरा रसल वाइपर और करेट इनमें से सबसे खतरनाक सांप ये है। और ये भी सोचिए घर के अंदर घुसा था काटता तो आदमी बचता ही नहीं। एक रस्सी ला देखिए भाई साहब वो भागे ना सांप पकड़ा जिसको हम लोग स्पेक्टिकल कोबरा कहते हैं। भारतीय नाग काफी जहरीला होता है, इसको हम लोग यहाँ छोड़ने वाले हैं। बारिश भी हो रहा है अच्छा खासा, इसके लिए माहौल है कि बारिश में आराम से घूमेगा। कितना खतरनाक है, तो इसे कहते हैं स्पेक्टिकल कोबरा, जो अटैक होने पे तुरंत अपने आप को दिखाने के लिए बचाने के लिए फन काट लेता है। देखिए काफी बड़ा है और देखिए कितना फुकार रहा है। तो फोटो खींच दो ऐसी स्पेक्टिकल कोबरा, इसको देखिए कितना कितना ऊपर तक ये फन काट के बैठा है। देखिए फुकार तो इसी कितनी खतरनाक है कि आदमी देख के समझ जाए कि हाँ फुकार। दूर से स्पेक्टिकल कोबरा काफी बड़ा है और कम से कम ये 1500 साल का तो होगा ही होगा। और लोग डरते हैं, हम तो चाहते हैं कि भैया हर जानवर के बारे में जानकार रखिए, इन्हें मानने से अच्छा इनको छोड़ दिया जाए। देखिए इसको मैं यहाँ छोड़ दे रहा हूँ, अपना चला जाए।
कैसे फोटो खींचा पीछे से। चल जा जा आगे चल थोड़ा। जाना तो इधर से जा। चलो